नमस्कार भैया, स्वागत है आपको हमारे न्यूज चैनल न्यूज 30 एक्सप्रेस में। हम आ गए हैं झांसी जिला की तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत ग्राम नवादा में, जहां योगी सरकार बहुत से आदमियों का लाभ दे रही है, जगह गांव-गांव लाभ पहुंच रहा हो। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्राम नवादा में कोई लाभ आ रहा है या नहीं आ रहा है ग्राम पंचायत नवादा में। आइए तो हम एक एक से महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्याएं। आइए साइड से बात करते हैं। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपका? ये योगी सरकार में आपका जो लाभ ऊपर से आ रहा है वो आपका मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? तो कोई लाभ नहीं मिली है भाई। कोई लाभ नहीं? बहुत परेशान है, और चार बच्चे हैं और घर वाला खत्म हो गया, बहुत परेशान है। देखो आदमन खान, इतना लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से जो लाभ आ रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है गाँव लेवल तक। कोटा भी बहुत परेशानी है, बहुत दूर लेने जाना पड़ता है। गांव में कोटा नहीं बढ़ता है? नहीं, गांव में नहीं बढ़ता। सबसे नहीं बढ़ता है गांव में? 4-5 महीने। देखो 5 महीने से आदमियों को समस्या है, कोटा भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। और कोई समस्या है आप बताओ, आपको क्या नाम है, क्या समस्या है आपका? योगी सरकार में कछु लाभ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो आप? कछु लाभ नहीं मिल रहा। और क्या है, जैसे आवास वगैरह योगी सरकार में मुख्यमंत्री आवास आ रहे, तो आपका आवास को लाभ मिलो या नहीं मिलो? नहीं, देखो तो यहाँ पे आवास तो निकल रहा है लेकिन व्यक्तियों का आवास के लाभ नहीं मिल पा रहे। और भी समस्याएं हैं, जैसे आप ये बताओ कि जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर चलो तो उनके बारे में आपका कुछ जानकारी है या नहीं है? नहीं, जाना से नहीं है, कौन जानकारी। और यदि जैसे आप कहीं पुलिस में कोई शिकायत करते हैं तो क्या उनको सुनवाई अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, ये बताएं आप? नहीं हो रही। देखो पुलिस से भी कोई सुनवाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही महिलाओं का, कोई यहाँ पर जो भी लाभ आ रहा है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आइए और भी लोगों से पूछते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? राम बते। तो क्या समस्या है आप? अब क्या समस्या का सुसमाचार नहीं है, जो है पानी की आफत है, रेवे के लाने घर नंजा है न कोटा खाए तो 3 गाँव में फिर रहे मूर जुआ बांधे। तो आपने देखा कि पानी की भी समस्या है यहाँ पे, पानी की बहुत ही समस्या है ऐसे गर्मी। कितने दूर से पानी भरने जाना पड़ता है? पानी 2-3 किलोमीटर से। देखिए 2-3 किलोमीटर से पानी भी भरने जाना पड़ता है। और यहाँ पे कोई भी लाभ मुझे लगता है यहाँ पे सरकार द्वारा जो भी लाभ निकलते हैं, हाँ, और हैंडपंप भी नहीं है। और भी और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, बताओ क्या नाम है, का समस्या है ते गांव में, जो ऊपर से सरकार से लाभ आए तब आपका मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे? ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास रहने के घर मकान है। तो आपका पट्टा वगैरह नहीं मिलूगा? नहीं, कुछ मिलूगा। क्या नाम है आपका? का समस्या है ते गांव में, जो ऊपर से सरकार से लाभ आए तब आपका मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे? नहीं, ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास रहने के घर मकान है। तो आपका पट्टा वगैरह नहीं मिलूगा? नहीं, कुछ मिलूगा। देखो यहाँ पे बच्चा है, उनके भी हमारे ना पास में ना खाने के लिए ना पीने के लिए साफ बात है। तो यहाँ पे बहुत ही कठिन समस्या है, जो औरतें हैं जिनको पट्टा भी नहीं है, जिनके पास जमीन भी नहीं है बिल्कुल, आइए और ना उनको सरकारी आवास का लाभ मिला है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका ना तो उनको लाभ मिला है ना अभी तक कुछ हुआ है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? जो खाट पे जमीन है तो जी के नाम का 62% कुछ नहीं आ रहा है। देखो इनके नाम जमीन भी है लेकिन इन्हें जो ऊपर से 2-2 हजार रुपया है उनको लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत नवादा में, यहाँ पे आवास को लेकर समस्या है और भी ऐसी समस्याएं हैं, पानी को लेकर समस्या। आपको क्या नाम है? आप आ जाओ। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो यहाँ पे व्यक्तियों को है, ना तो यहाँ पे सरकार का कोई लाभ आ पा रहा है, ना ही कुछ यहाँ पे लाभ मिल रहा है व्यक्तियों को। यहाँ पे व्यक्तियों को ना तो इन्हें वुमेन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी है, ना ही किसी चीज की जानकारी है।